युवा प्रतिभा निकुंज आनंद की पुस्तक का विमोचन। जी डी गोयनका, दिल्ली के युवा लेखक ने अपनी पुस्तक फिक्शनल यूनिवर्स का अनावरण किया। फिक्शनल यूनिवर्स युवा लेखक निकुंज द्वारा पुस्तक का विमोचन। निकुंज आनंद यंग माइंड्स में एक गौरवान्वित लेखक की यात्रा। July 7, 2024 को साहित्यिक समुदाय यंग माइंड्स ने जी डी गोयनका पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली के युवा और प्रतिभाशाली लेखक निकुंज आनंद की पुस्तक फिक्शनल यूनिवर्स के अनावरण के साथ एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की मेजबानी की। ये कार्यक्रम श्री बी के सभरवाल जी सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। श्री बी के सभरवाल जी अध्यक्ष पूंजी बाजार समिति PHDCCI, श्री विकेश सेठी मॉडल टाउन वार्ड के नगर पार्षद और श्रीमती रेणु अग्रवाल नगर निगम पार्षद कमला नगर वार्ड, सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उभरते लेखक को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। यंग माइंड्स की संस्थापक और CEO डॉक्टर तन्वी गुप्ता ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से बच्चे के सीखने के प्रारंभिक वर्षों में कौशल निर्माण के महत्व को विस्तार से बताया। उन्हें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा था कि निकुंज ने 2 साल पहले यंग माइंड्स के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सेमब्लेंस और फिर वर्तमान पुस्तक फिक्शनल यूनिवर्स में मूल विचारधारा का उपयोग करते हुए संकलित पुस्तकों में व्यक्तिगत कहानियों का योगदान दिया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर कोई निर्भरता नहीं। मुख्य अतिथि श्री बी के सभरवाल जी, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी और श्री विकेश सेठी जी ने युवा प्रतिभाओं को समर्थन देने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने से समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। निकुंज आनंद ने इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं भावनाओं के बवंडर का अनुभव कर रहा हूं, उत्साह, घबराहट और अत्यधिक गर्व। यह एक अविस्मरणीय क्षण है। मेरी किताब को आखिरकार जीवंत होते देखना और इसे आप सभी के साथ साझा करना एक सुखद अनुभव है। सपना सच हो गया। मैं इस समय बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं और मैं अपने प्रियजनों और यंग माइंड्स के सभी समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभारी हूं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम ने न केवल युवा लेखक की यात्रा पर प्रकाश डाला बल्कि महत्वाकांक्षी और रचनात्मक लेखकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी काम किया। श्रीमती गीता चौधरी, निदेशक अकादमिक JD टाइटलर स्कूल, श्रीमती मीना मल्होत्रा, पूर्व प्रिंसिपल बाल भारती स्कूल दिल्ली, सुश्री अंजलि शांडलिया, विभागाध्यक्ष वाणिज्य एयरफॉरेक बाल भारती स्कूल दिल्ली, सुश्री कविता देवगन और शैक्षणिक समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों ने कौशल निर्माण के अभिनव तरीके की सराहना की और उत्साह वर्धन किया। प्रतिक्रिया। इस कार्यक्रम में निकुंज आनंद के गौरवान्वित माता पिता, दोस्त और शुभचिंतक भी उपस्थित थे, जो इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी जोर दिया। I'm really proud of our young author Nikunj Anand from GD Goenka School, who was assisted by specialized experts and trainers at Young Minds. And at this tender age, wherein he's in 8th grade, he has written his 5th book without any AI. So in this culture of copy and paste, he has ensured that he has originally ideated and written these stories. And he'll soon be launching another book the next month. So I'm really proud of you, Nikunj. May God bless you.
So hello everyone, my name is Nikunj Anand and I'm like in GD Goenka Public School, Model Town, and in grade 8A, I'm really proud to be a student of them and a pupil to my teachers. I'm really proud that all my like brothers and sisters are here to like support me. I'm really proud of them. So he is my dear brother. He is like little and he is like, he speaks a lot and wants to be a public speaker. And he is my favorite brother. I love him very much. So in this book launch, I have launched these two books, Semblance and Fictional Universe. These are all deeply from my mind without any AI assistance or any copy paste. See, in this futuristic world, I literally wanna refer you to read books, because reading more books will take you to a ride to a new experience, and experience to others' life will give you more knowledge, and more knowledge means you will achieve more. So please, I recommend you to read more books, and also please support me, because I need everyone's support and I wouldn't be able to do this without you. Yeah, I have launched like 3 books earlier. I have contributed 2 stories in 2 different books and 1 poem in a poet books, and I have got the Scholar's Book of World Record for the poem. So the first book's name was Love for Nature, and the second book's name was Rainbow Tales, and the third book in which I have like given the poem, its name is Voice of Youth. I'm really grateful to have my mentors, Miss Tanvi Gupta and Nancy ma'am. I'm really, really thankful to them. Also, one of the favorite teacher who has always supported me. She isn't able to manage to come here, but she's always in my heart. She resides in my mind and she's everywhere for me. Her name is Himani Khari ma'am. I'm really grateful to have a teacher like her. I'm really grateful, ma'am. If you are watching this, ma'am, really, really thank you to you. Without you, I'm nothing. You only supported me in my bad time. You understood me whenever I wrote my stories. I'm really, really, really grateful to her. If she would be here, I would be like literally falling into her feet, because she is my idol. No one is like her. No teacher can be like her, because she is the best teacher in the world. She is my favorite teacher. Nikunj, आपने ये जो बुकें लिखना शुरू की हैं, आपको ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी उम्र के बच्चों को जो इस तरह से बुक्स लिखने में आगे हैं? देखिए, मुझे मेरी इंस्पिरेशन ना मेरे ठाकुर जी, मेरी सरस्वती माता और इनसे मिली. इनके बिना मैं सच बताऊँ, इनके बिना ये काम अधूरा रहता. इनके बिना लिटरली कोई इंसान अधूरा है. अपने देवी देवता के बिना कोई भी लाइक वो नहीं है, अधूरा है. लो, जहाँ भगवान है ना, वहाँ पे पूरी कायनात आपको सक्सेस के वहाँ पे लेकर जाएगी. मैं लाइक अपनी एज के लोगों को यही लाइक वो दूंगा एडवाइस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े, रीलों पे फोकस ना करें. वो मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि व्हेन यू हैव दैट क्वालिटी, यू शुड नॉट सी द क्वांटिटी. सो प्लीज़ एवरीवन, रीड बुक्स एंड लीव रील्स. रीड बुक्स एंड लीव रील्स. दिस इज माय मम्मी जी एंड पापा जी. दे आर माय डियरेस्ट. दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बल्कि दे आर माय होल यूनिवर्स. तो मैम, आप बताइए, आज निकुंज की ये किताब फिफ्थ या फोर्थ है? फिफ्थ.
फिफ्थ किताब आज लॉन्च हुई है, उसके बारे में आप बताएं कैसा आपको महसूस होता है? अच्छा, इन उपलब्धियों पे है, किताब लिखना कोई मामूली बात नहीं है? वाकई ये कोई मामूली बात नहीं है, ही मेड अस प्राउड। और मैं मतलब इतना गर्वित महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं छोटा सा बच्चा है, कैसे ड्रीम शुरू हुआ, कहाँ पे ये लेकर जा रहा है और कहाँ शायद बहुत आगे तक जाएगा। उम्मीद यही है, आगे गुरुजी, जय गुरुजी। सर आप बताएं। थैंक यू सो मच निकुंज, यू हैव मेक अस सो मच प्राउड। इट्स अ भोलेनाथ ब्लेसिंग एंड ही बिलीव इन भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्योममक्षमामृतात्। थैंक यू सो मच। सो देखिए, अगर आपके पास फ्रेंड्स हो ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपके पास भगवान भी हो। सो प्लीज, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड विवान रायचंद एंड ही इज जयकृत। They both are my best friends and they have supported me a lot. So, if you need friends, then they should be like these. Because friends like these is like having blessing of God. Literally, if they both are my friends forever, I'm like literally grateful to having them as my friends. So, anything? Nikunj, he was really a creative one of my friends. He was also bullied in the last session and it was really breaking for him. He was mentally disturbed from that, but he came up with his stories and his ideas, and he had always a diary with him at the library and at the class. He wrote notes in it, and when he showed it in our class, so that was his stories and creatures. It was really astonishing for me to see that. Same is from my side. What he had said is he is completely true. Same from my side. He's a very nice guy. He was bullied in the past session, but because of that, his mental intelligence grew up, and then he became brave. And then nowadays, whenever he's bullied, he just ignores it, and it's a very nice thing. कमला नगर की निगम पार्षद हूँ और ये आज यहाँ पर बुक लॉन्च की है निकुंज आनंद ने, और ये 5 बुक्स लिख चुका है अब तक, एंड नाउ ही इज राइटिंग ऑन फिक्शन आई थिंक सो, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, छोटा सा बच्चा है और इतनी अच्छी 12 ईयर्स की एज में बुक्स लिख रहा है, तो मे गॉड ब्लेस हिम, मेरी उसकी शुभकामनाएं। So yes, I'm with ma'am. What's your name? My name is Seema Nigam, Delhi Pradesh Vice President. और मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये बुक लिखी है, लॉन्च करी है, इसके लिए गॉड ब्लेस यू। और आगे भी थैंक यू, और आगे भी ऐसी ही बुक लिखते रहे और आगे भी बहुत अच्छे राइटर बने, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और आपने जो ये बुक लिखी है फैशनल यूनिवर्सल और ये बैलेंस ऑफ वाइस बहुत ही अच्छी है, और ये इसे आगे भी और आप लोग बढ़ाइए। जैसे बच्चे होते हैं स्कूलों में होते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा इनकरेज करिए, तो एक जो है एक मैसेज जाता है, आप जैसे बच्चे और भी बनना चाहेंगे तो उन बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि ये बच्चा अगर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मेरी माता रानी से दुआ है, सरस्वती माता से दुआ है कि आप आगे भी जो है बहुत बड़े राइटर लेके जो आपका ब्रिटिश उसमें जो है ग्रीनिश वर्ल्ड ऑफ में आपका एक नाम लिखा जाए। आई एम रश्मि बजाज, गुड इवनिंग। वी हैव रन अ नर्सरी स्कूल फॉर 35 ईयर्स, सेंट पॉल प्रिपरेटरी स्कूल, एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट निकुंज आनंद, राइट? God bless you, and really I think this child is really blessed and a God gifted boy, young minds. जैसे मैंने अभी इसकी मम्मा से मिली, she told me कि 2 साल का बच्चा महामृत्युंजय जाप बोलने लग गया अपने आप ही। तो ऐसे बच्चे आज के टाइम में होना बहुत बड़ी blessings है हमारे लिए, it's a very 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 blessings for all of us, and I really bless him, I wish him a lot. क्योंकि यंग माइंड्स की ये बुक लिखनी है, दिस इज़ द 5th बुक आई केम टू नो, दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन इन द फील्ड कि ऐसे ही बनो, ऐसे ही सीखो, ऐसे ही बढ़ो आगे, एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर तन्वी गुप्ता द टीचर, राइट, शी हेल्प यू,
Yes. Good. She helped in the editing and everything. I am really grateful to her. Oh, this is very nice. Thank you so much. I wish him a bless. Very good luck for him in the future also. Thank you. Chok, Mrs. Subhash Chok, former teacher, J.D. Titler School, senior language teacher. मैं निकुंज के पिता और चाचा दोनों की अध्यापिका रही हूँ और मैं इस उभरते कलाकार इस उभरते लेखक के लिए मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। आज के दिन आज के समय में लेखनी पर ध्यान देना, लिखना लिखना एक बहुत ही मुश्किल कला है जो कि बच्चे नहीं करना चाहते। सो मैं इसके भविष्य की मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू। आई एम राजश्री रेलन, रिटायर्ड टीचर फ्रॉम आवी सीनियर मॉडल स्कूल। आई फील टुडे वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। आई कांग्रेचुलेट निकुंज आनंद हु हैज रिटन अ बुक। कांग्रेचुलेशंस एंड आई फील वेरी प्राउड दैट माई स्टूडेंट हैज टॉट हिम to write very well. Thank you so much. Founder RevUp and MentorX, बहुत बहुत proud moment है that Nikun Anand has you know launched these books and a proud moment you know for the mentor upon. It is really really amazing. I've seen him growing up and being so thoughtful always and the way he's scripting books, he's on the go, always and wishing you the best. आप बहुत books करो and may this books create ripple of change in the future ahead. Wishing you the best and my support always with you. Thank you.